आज हम बात करेंगे टॉप 5 अपकमिंग मोबाइल्स की जो लॉन्च होंगे सितंबर 2023 में। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारी लिस्ट पे नंबर 1 पे आता है Realme GT3 5G। इस मोबाइल में आता है Android V13। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.74 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और ये सभी को पावर देगा Snapdragon 8+Gen1 प्रोसेसर। अब बात करते हैं इसके कैमरा की, तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 50+8+2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। बड़े एसडी कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 4600 की बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 240 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 36,999। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 17 सितंबर 2023। हमारी लिस्ट पे नंबर 2 पे आता है Honor Magic 5 Lite। इस मोबाइल में आता है Android V13। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.67 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और ये सभी को पावर देगा Snapdragon का 695 प्रोसेसर। अब बात करते हैं इसके कैमरा की, तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 64+5+2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। बड़े एसडी कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 5100 की बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 40 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 16,999। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 25 सितंबर 2023। हमारी लिस्ट पे नंबर 3 पे आता है Motorola S40 Pro 5G। इस मोबाइल में आता है Android V13। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.67 इंच का फुल HD PoLED डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और ये सभी को पावर देगा Snapdragon 8+Gen2 प्रोसेसर। अब बात करते हैं इसके कैमरा की, तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 50+50+12 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा इसमें 60 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 12GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। बड़े एसडी कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 4600 की बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 125 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 49,999। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 15 सितंबर 2023। हमारी लिस्ट पे नंबर 4 पे आता है Oppo Find X6 Pro। इस मोबाइल में आता है Android V13। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.82 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और ये सभी को पावर देगा Snapdragon 8+Gen2 प्रोसेसर। अब बात करते हैं इसके कैमरा की, तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 50+50+50 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 12GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। बड़े एसडी कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 5000 की बड़ी बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 100 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 74,999। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 14 सितंबर 2023। हमारी लिस्ट पे नंबर 5 पे आता है IQ New 8 Pro। इस मोबाइल में आता है Android V13। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.78 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, और ये सभी को पावर देगा MediaTek Dimensity 9200+। अब बात करते हैं इसके कैमरा की, तो इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप है 50+8 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 16GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। बड़े एसडी कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 5000 की बड़ी बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 120 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 39,999। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 28 सितंबर 2023। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 अपकमिंग मोबाइल्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रियली अप्रिशिएट योर टाइम।